राज्य के खेल जगत को हिला देने वाली खबर है। राज्य में खेल प्रमाण पत्र घोटाले में महाराष्ट्र खेल विभाग ने फर्जी खेल प्रमाण पत्र दिखाकर सरकारी नौकरी पाने वालों की सूची जारी कर दी है। फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट दिखाकर सरकारी नौकरी से भागे 92 खिलाड़ी है। इसमें नागपुर के पदस्थ लोगों के भी नाम है। स्पोर्ट्स विभाग के सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन में ये सर्टिफिकेट फर्जी पाया गया है। इन नामों की सूची महाराष्ट्र के खेल विभाग ने अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित की है। ये न सिर्फ 109 लोगों की सूची है, बल्कि खेल विभाग ने इनमें से 17 खिलाड़ियों की सरकारी सेवा रद्द करने की भी सिफारिश की है। मीडिया में फर्जी एथलीटों और फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट की खबरें सामने आईं और पूरे मामले की पोल खुल गई। राज्य सरकार द्वारा एक साहसिक कदम उठाया गया है। सॉफ्टबॉल टेम्पोलिन का सर्टिफिकेट देकर मिली नौकरी अब खेल विभाग ने सील कर कार्रवाई की शुरुआत की है।